हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कोरोना वायरस के ऊपर, जो एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि लोगों को बहुत डर है कि उनको कोरोना वायरस हो जाएगा, या किसी को हो गया है तो बहुत ज़्यादा फियर है। किसी को ज़रा से भी सर्दी खांसी जुकाम भी हो रहा है तो वो भी डर जाता है, या उसके पास से लोग दूर दूर भाग रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि अब वैसे तो व्हाट्सएप पर और आपके आस पड़ोस में जो बहुत सारे डॉक्टर्स घूमते हैं, उन्होंने आपको सिखाई दिया होगा, बताई दिया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो उन लोगों ने आपको नहीं बताई होंगी। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले, कोरोना वायरस है क्या ये? अगर मैं नॉर्मल हूँ, मैं जाके टेस्ट कराऊंगा कोरोना वायरस का, या कोई भी आप भी टेस्ट कराओगे कोरोना वायरस किसी भी लैब में जाके, तो वो माइट भी पॉजिटिव आ सकता है। तो ऐसा ना करें कि ज़रा भी आपको सर्दी जुकाम बुखार हो, आप किसी भी लैब में गए जाके टेस्ट करा दिए कि लो भाई मेरा ब्लड ले लो, या मुझे मेरा टेस्ट कर दो कोरोना वायरस के लिए। देखो, कोरोना वायरस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन हैं। तो जो COVID-19 है वो ख़तरनाक है। नॉर्मल कोरोना वायरस बहुत सारे जगह पे मिलेगा, बट वो ख़तरनाक नहीं है, वो आपको इंजोर नहीं करेगा। जिसकी COVID-19 स्ट्रेन है वो इंजोर करेगी। इसके टेस्ट हर जगह नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ कहीं भी लैब में जाके आप मत खड़े हो जाना कि भाई मेरा टेस्ट कर दो। वो कहेगा अच्छा मुर्गा फंस गया, वो टेस्ट कर देगा, वो पॉजिटिव भी आ जाएगा और आप डर जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोरोना वायरस है क्या? तो वो 400 माइक्रोन का वायरस होता है, साइज़ बड़ी होती है। तो इस तरीके से कोई भी नॉर्मल मास्क आप लगाएंगे तो वो उसको फिल्टर कर देगा। एक सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं अभी, वो ये है कि इस तरीके से मास्क लगा के, वो मास्क तो खरीद रहे हैं, खुद पहन भी रहे हैं, बट उनको गलती ये कर रहे हैं कि उसको लगाते समय ऐसे छू लेते हैं, टच करते हैं, दिन भर उसको बैठ के ऐसे करते रहते हैं। दैट्स वेरी रॉन्ग, आपको ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसको प्रॉपरली यहाँ से पकड़ें और लगाएं और छोड़ दें, रिमूव करें तो यहीं से पकड़ के उसको रिमूव कर दें। इसमें एक चीज़ और जानने वाली जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस किसी के थ्रू हमको आया। फॉर एग्जांपल, ऐसा कोई बंदा व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से, अभी वो क्या हुआ कि वो इसके टच में आया और आपके सामने है, आपको पता नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है। आप गए, आपने मास्क लगाया हुआ था फेस में, ठीक है, आप ऐसे लगा हुआ था फेस में आपके मास्क, आप उसने आपसे बात करी, कुछ भी किया, छींक दिया, कुछ भी हुआ, आपको पता ही नहीं, आसपास में कहीं भी कुछ भी, मास्क में आके चिपक गया एनवायरनमेंट से। वैसे तो वो एयर में नहीं ट्रेवल करता है, बट फिर भी किसी ने छींका या उसकी वो छींक से आ गया और यहाँ पे आके टच हो गया। तो अभी आपको क्या, अगर यहाँ से छुएंगे तो वो आपके हाथ में आ जाएगा। अब हाथों से आपने कहीं कोई पेन पकड़ा, मोबाइल निकाला, जैसे मोबाइल जेब में छुआ, मोबाइल निकाला, जब आप छुएंगे टच करेंगे तो आपके कपड़ों में स्प्रेड होगा। अब आपने तो होशियारी दिखाई कि मैं तो मास्क पहना हूँ, भैया मैं तो मास्क निकाला, बड़ी प्यार से निकाल के और स्टेरियम लेके हाथों को साफ कर लिया, मैंने हाथों को साफ कर लिया। हाथों को साफ करके, ठीक है भाई, वो 9-10 मिनट तक हाथ में रहता है, वो मर गया, ठीक है। बट जब आपने वापस से मोबाइल पकड़ा या अपनी जेब में हाथ डाला, वो वापस से आपके हाथ में आ गया, तो अगेन आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मास्क आपको डेली चेंज करना है, ऐसा नहीं कि एक ही मास्क को आपको ज़िंदगी भर चलाना है कि भैया मैंने मास्क खरीद लिया मैं ज़िंदगी भर चलाऊंगा। भैया सस्ते वाले मास्क ले लो, ये सस्ते वाले मास्क आते हैं, आप ये भी काम करेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको N95 जो मास्क है बहुत महंगा वाला, 300-400 या 1000-2000 का, आजकल तो मतलब जितने बड़े बड़े लोग हैं वो सब महंगे महंगे मास्क खरीद के और पहन के एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है, तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको डेली 500 रुपये का मास्क चेंज करके यूज़ करें तो मतलब है, बिकॉज इसमें अगर इसकी लेयर में वायरस का इन्फेक्शन टच है, तो अगर वापस उसको लगाएंगे तो आप उसको अपने अंदर वापस ले रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको डेली मास्क थ्रो करना है। इस तरीके से मास्क लिया आपने, ठीक है, यहाँ से असर निकालना है और इसको डिस्पोज, प्रॉपरली डिस्पोज करना है। ऐसा नहीं कि अपने घर में रख दिया और छोटे बच्चों को बोल दिया कि उठाओ उसको फेंक दो, या घर में किसी को भी, बिकॉज अगर इसमें इन्फेक्शन होगा वायरस का तो वो उधर भी स्प्रेड हो जाएगा। कोरोना वायरस कोई बहुत खतरनाक वायरस नहीं है, वो नॉर्मल वायरस है, जैसे नॉर्मल फ्लू होता है, इसी तरह का वायरस है जो बॉडी में आता है और 1-10 दिन में चला भी जाएगा, अगर आपके इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रांग हुआ तो। तो इसमें इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चीज़ें ऐसी खाएं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करें, लाइक खट्टी चीज़ें, लाइक लेमन है, ऑरेंजेस है, आप इसको लीजिए, और विटामिन सी विद जिंक आप लीजिए, लाइक VTC-1000 है जो टैबलेट आती है, सस्ती भी है, मेरे ख्याल से 90 रुपये की 10 टैबलेट होती है, वो लीजिए, आपकी बॉडी में जिंक मिलेगा और विटामिन सी मिलेगा जो आपको बूस्टअप इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा फाइट करने के लिए, बिकॉज ये उन्हीं को खतरनाक है। अगर मेरे को ये होता है फॉर एग्जांपल, तो मैं इससे संक्रमित होता हूँ और ये मेरी बॉडी, मेरे इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो उसको फाइट करके रिमूव कर देगा। बट
ऐसे एल्डरली लोग जो ओल्ड एज है या किसी को डायबिटीज़ है या किसी को HIV पॉजिटिव है तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उन केसेस में ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखें। और इसके कुछ सिम्टम्स आपको बता देता हूँ। नॉर्मल सर्दी जुकाम आपको हो रहा है तो आप डरे ना, आप ऐसा नहीं कि सर्दी हुई जुकाम हुआ आप जाके फट से पहुंच गए डॉक्टर के पास और मेरा इलाज करो, तो ऐसा नहीं होता। इसके कई वैरायटीज़ होती हैं। लाइक आपको सूखी खांसी आ रही है, ठीक है, तो नॉर्मल सूखी खांसी आ रही है तो वो कोरोना वायरस नहीं है। अगर आपकी नाक बह रही है, रनिंग नोज़ है, आपको खांसी हो रही है, रनिंग नोज़ है, तो भी वो कोरोना नहीं, वो नॉर्मल फ्लू है। सूखी खांसी नॉर्मल हो रही है तो वो माइट बी पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। अगर आपको नाक बह रही है, सूखी खांसी है, कोई कफ वाली खांसी है, आपको उसमें स्पूटम आ रहा है, तो वो माइट बी वायरल हो सकता है। वायरल के कारण कोई भी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, मौसम चेंज हो रहा तो हो सकता है, उसके कारण भी हो सकता है। इसके जो मेन इसका जो है जो देखा गया है, इसमें आपको बहुत तेज सूखी खांसी और तेज फीवर, आपको बुखार बहुत तेज़ आएगा और जोड़ों में पेन भी हो सकता है। तो आप इसमें अगर इसको मार्क करिए, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ सूखी खांसी हो रही है और बुखार है तेज़, तो ज़रूर आप डॉक्टर के पास दिखाएं। और डरने वाली बात नहीं है, इसमें आप वो ले सकते हैं, प्रिकॉशन लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव हो गया, कहीं ऐसी बाहर जगह से आए हैं जो जहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा अपने आप को क्वारंटाइन करिए, अपने बाकी के फैमिली मेम्बर से दूर रहें कुछ दिन तक, जब तक आपको ऐसा लगता है कि माइट भी आपको पॉसिबल है, तो इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है। दो एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि साबुन से हाथ धोजिए, धोए आप स्टेरियम भी रख सकते हैं, अपने जेब में छोटा पैकेट स्टेरियम पर रखिए, कभी भी लगते हैं बाहर जा रहे हैं तो आप उसको क्लीन कर लीजिए हाथ, वरना साबुन सफिशिएंट है। आप जब भी खाएं, आप देखो मुंह से आपको हाथ को दूर रखना है, आपको नाक और मुंह, ऐसे नहीं नाक खुजा रहे हैं, मुंह में उंगली डाल रहे हैं, कान खुजा रहे हैं, ऐसे नहीं करना है आपको, है ना, ये चीज़ों को स्प्रेड करेगा। तो आपको करना क्या है कि आपने साबुन से हाथ धोए, देखो 15 से 20 सेकंड इंपॉर्टेंट है साबुन से हाथ धोना, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस 15 से 20 सेकंड आप पानी को बहाते रहें। देखो हमें बाकी नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमें संभाल के रखना है, तो सिर्फ एक वायरस को धोने के लिए पानी ना बहाते रहें, पानी को बंद कर दीजिए, साबुन लीजिए 20 सेकंड तक पूरा रब करिए, पूरा क्लीन करिए और फिर नल खोल के धोइए और उसको बंद कर दीजिए। आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखिए, ये भी कोई भी ये जो वायरस है वो कुछ सरफेस पे नहीं जिंदा रह पाता है, तो इसका मतलब नहीं कि कोई कुरियर आपके पास आ रहा है तो उसमें वायरस चल के आपके पास आ जाएगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो सरफेस पे जिंदा नहीं रह पाता है। ये हीट रेसिस्टेंट है, तो आप थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए सुबह उठ के, वैसे भी लेमन डाल के पीना अच्छी बात है कि आप लेमन डाल के पियेंगे तो अच्छा रहेगा, इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप रहेगा, और अगर ऐसा लग रहा है कि आपको वायरस अटैक हुआ है तो वो उसको थोड़ा स्ट्रांगली आपको फाइट करने में हेल्प करेगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, खांसें तो जनरली ऐसे लोग खांसते ऐसे नहीं करना, खांसना और ऐसा छींकना नहीं है आपको, बिकॉज आप दूसरों को भी स्प्रेड करेंगे और आपने खांसा और ऐसे पोंछ लिया, ऐसा नहीं करना आपको, ना भी आपने पूरे लगा के अपने पूरे कपड़ों में लगा लिया, ठीक है, अब आपने फिर उसके बाद आपने सैनिटाइजर लिया और आपने उसको साफ करा, साबुन से हाथ धोए जो भी करा और बैठ गए कि भैया मैंने तो साफ कर लिया, ऐसे नहीं होता है, बिकॉज उसके बाद जब भी आप हाथों में कपड़ों में हाथ लगाएंगे वापस आपके हाथों में जाएगा और आपने मुंह में लगाया तो वो गया अंदर, तो आपका सारी मेहनत पानी में चलेगी। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना, खांसना कैसे, खांसना आपको जब भी आपको खांसी है छींक है तो आपको ये करना है, ऐसे यहाँ पे ये करना है, ये आपकी शर्ट वर्ट यहाँ पे जो भी है तो इस एरिया में आप कम छूते हैं, यहाँ पे कम हम टच करते हैं, ठीक है, तो ये आपका, और डेली शर्ट को चेंज करें, डेली कपड़े चेंज करें, डेली नहाएं, गर्म पानी से नहा लीजिए, कपड़ों को गर्म पानी में वॉश करिए, ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। मास्क आप डेली चेंज करिए प्लीज़, और डरने वाली बात ही नहीं, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखो यार, तो हल्दी का दूध पियो, तुलसी खाओ, ये सब कुछ कुछ चीज़ें आयुर्वेदिक में यार जो आपको स्ट्रांगली बहुत हेल्प करेगी इन सबसे फाइट करने में। और ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखना चाहिए, और प्लीज़ इस वीडियो को आगे स्प्रेड करें, फॉरवर्ड करें, ताकि जिनको नहीं पता है वो भी इसमें उनको नॉलेज मिले। तो कोरोना वायरस से डरना नहीं, हमें इसको स्प्रेड होने से, इसकी चेन को स्प्रेड होने से ब्लॉक करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको लगता है कि अननेसेसरी मार्केट में ना जाएं, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि खासकर जो लोग सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब सिगरेट पीते हैं तो उसको अवॉइड करिए प्लीज़, बिकॉज आप जिस पान की दुकान से सिगरेट ले रहे हो, ना जाने कितने लोग वहाँ पे आके आते हैं डेली, और उनमें से ना जाने कितने लोगों को ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव हो कोरोना, और वो दुकानदार को पैसे देंगे, नोट देंगे, उससे उनके वायरस ट्रांसफर होगा और वो वायरस उसके हाथों में आके वो आपको सिगरेट की बॉटल उठा के देगा और उससे आपको आ जाएगा, और आप बड़ी प्यार से मास्क उतारेंगे और सिगरेट पियेंगे और वो आपको स्प्रेड हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को बचा के रखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा।
बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मास्क डेली पहनिए, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगा मास्क पहने, डेली पहन के उसको फेंकना है, प्रॉपरली डिस्पोज करें। हाथों को क्लीन करिए, पानी से धो, साबुन से धो सकते हैं, स्टेरियम से क्लीन कर सकते हैं, कि अगर आप मार्केट में हैं तो एक छोटा सा बॉक्स स्टेरियम में, तो बड़ा वाला है, छोटा वाला 100 ml का अपने पास रखिए, जेब में रखिए, आप उसे क्लीन करिए। अपने मोबाइल को भी साफ रखें, अपनी चीज़ों को, अपनी कार के जो स्टेयरिंग है उसको भी साफ रखें। आपकी कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपको वापस से वो आ सकता है। तो और चीज़ें, आप खांसते समय ऐसे खांसना है आपको, किसी के मुंह पे नहीं खांसना है। जितनी कोशिश करें हाथ नाक की तरफ, मुंह की तरफ ना जाए, इसको अवॉइड करना है। आपको हाथों को दूर ही रखना है आपके नाक मुंह से, ठीक है, बिकॉज वहां से वो अगर जरा सा इधर उधर से आया तो आपके अंदर जा सकता है। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और याद रखिए, सिगरेट विगरेट अगर आप मार्केट से लेके पीते हैं तो उसको अवॉइड करिए, बिकॉज वहां से आपको बहुत ईजिली इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि किसी को भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, जैसे मैंने बताया, वो कहीं से आया है तो उस दुकान में जाके वो नोट देगा, कुछ भी देगा, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म तक रह नहीं पाता है, बट फिर भी 10-15 मिनट में ही आप वहाँ पे पहुँच गए, उसी समय ये सब चीज़ें हुआ, तो ये आपको भी हो सकता है, या चाय वाय पीने गया आपने वहाँ पे। तो कोशिश करें, अवॉइड करें बाहर का खाना पीना ना करें अभी कुछ दिनों तक, बिकॉज कोई भी क्राउडेड एरिया में जाना अवॉइड करें, बिकॉज ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकता है इन सब चीज़ों के थ्रू। तो प्रॉपर क्लीनिंग करें, क्लीनिंग हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने साथ साथ अपने दूसरों की केयर भी करिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में गए और फट से खूब सारे मास्क बटोर लिए और खूब सारे स्टेरियम बटोर लिया, खूब सारे ये सब चीज़ें उठा के रख लिए घर में। देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके साथ साथ सामने वाले को भी ये सब चीज़ें फॉलो करना है। तो आप सब कुछ खरीद के रख लोगे, स्टोर करके रख लोगे, तो यूज़ ही निकले, सामने वाला अगर नहीं फॉलो करेगा तो। और अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और प्लीज़ मिथ और कन्फ्यूजन और गलत फहमियाँ ना फैलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डर भी एक लिमिट में अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा खतरा लोगों को ना बताएं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लोग डर के कारण ज़्यादा कोई हार्ट अटैक से ना मर जाए। ओके, तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता।